सब्सक्राइब कीजिए मार्केट माएस्ट्रो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। कैसे पता करें अपना डीमेट अकाउंट नंबर, कैसे पता करें डीपी आईडी, कैसे पता करें अपनी क्लाइंट आईडी, कैसे पता करें कि भाई सीडीएसएल है या फिर है एनएसडीएल, ये सब जानकारी आपको कहां से मिलेगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपना डीमेट अकाउंट नंबर यहां पर पता कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। तो बहुत सारे लोग को यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा है डीमेट अकाउंट नंबर पे, तो पहले समझते हैं डीमेट अकाउंट नंबर क्या है, क्या है भाई CDSL और क्या है यहाँ पर NSDL, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे आपको पता करना है। लेकिन सबसे पहले ये जो डीमेट अकाउंट नंबर होता है ये कुछ नहीं होता है, एक डीपी आईडी होती है प्लस और जो क्लाइंट आईडी होती है उसको मिला के एक डीमेट अकाउंट नंबर यहाँ पर बन जाता है। अब आप बोलोगे कि सबसे पहले भैया ये डीपी आईडी क्या होती है, तो जब भी आप एक डीपी आईडी खुला है, जब भी आप एक डीमेट अकाउंट खुलाते हो तो आप यहां पर कोई रिटेल ब्रोकिंग साइट से खुलाते हो, आप यहां पर कोई सर्विस प्रोवाइडर लेते हो, उसको हम यहां पर डीपी बोल देते हैं, वो एक्ट करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह। अब होता क्या है कि ये रजिस्टर्ड होते हैं किसके थ्रू, सिर्फ दो तरह के होते हैं यहाँ पर, या तो वो रजिस्टर्ड होते हैं NSDL के थ्रू या तो वो यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं CDSL के थ्रू, जो उनको यहाँ पर लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं कि वो आपका डीमेट अकाउंट यहाँ पर खुला सके। अब आप पता कैसे करोगे कि NSDL है मेरा कि CDSL है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो सबसे पहले जब भी आप अपना डीमेट अकाउंट खुलाते हो, जिस भी डेट पे आप खुलाते हो, आपको एक वेलकम मैसेज मिलता है उससे, जब आपका खुल जाता है तब वहां पर सबसे ऊपर में लिखा रहता है आपका यहाँ पर डीमेट अकाउंट नंबर। अब ये डीमेट अकाउंट नंबर होता क्या है, ये डीमेट अकाउंट अच्छा घूम गया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आखिर में यहाँ पर। तो सबसे पहले ये डीमेट अकाउंट जो होता है, जो डीमेट अकाउंट नंबर होता है वो 16 डिजिट का यहाँ पर नंबर होता है, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में जब मैं वहाँ पर टाइप कर रहा था तो मैं बोला इतना लंबा यहाँ पर टाइप करना पड़ रहा है, तो वो 16 डिजिट का नंबर होता है जो आपको IPO का एप्लीकेशन लगाते टाइम डालना पड़ता है। यहाँ पर पहली 8 डिजिट आपकी रहती है DPID, यानी कि जो आपका सर्विस प्रोवाइडर रहता है वो DPID, और जो लास्ट की 8 डिजिट रहती है वो रहती है क्लाइंट आईडी। यहां पर इन दोनों को मिला के, इसलिए मैंने बोला DPID जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हो गया वो, और 8 डिजिट का क्लाइंट आईडी, दोनों को मिला के 16 डिजिट का यहां पर बन जाता है डीमेट अकाउंट नंबर। ये होता है डीमेट अकाउंट नंबर, आपका जो वेलकम मैसेज होता है उसमें यहां पर दिया रहता है। तो अब पता कैसे करें कि भाई मेरा NSDL है या मेरा CDSL है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक लॉजिक यहाँ पर बताता हूँ। अगर आपका डीमेट अकाउंट नंबर जो है वो IN से स्टार्ट होता है, यानी अल्फाबेटिकल से स्टार्ट होता है और उसके बाद कुछ भी नंबर है, इस प्रकार से अगर आपको दिख जाता है, इसका मतलब आपका जो डीमेट अकाउंट नंबर है, जब आप IPO के लिए एप्लीकेशन लगाओगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो NSDL है। इसके साथ अगर आपका यहाँ पर जो डीमेट अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डायरेक्ट अल्फाबेटिकल किसी भी प्रकार का नहीं है, पूरा का पूरा नंबर है और ज़्यादातर 1 से स्टार्ट होता है, तो वो यहाँ पर आपको वहाँ पर टिक करना है CDSL, वो आपका यहाँ पर CDSL। एग्जाम्पल भी आप देख लो, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि ये रेड कर दिया है पूरा IN 123456, उसके बाद 123456 78, तो IN आप जैसी देखोगे आपको फटाक से समझ में आ जाएगा कि ये NSDL है। DPID उसके बाद की रहेगी 123456 और आखिरी का पूरा जो क्लाइंट आईडी वो आपकी रहेगी। और वैसे ही अगर आप CDSL में देखोगे तो यहाँ पर शुरू का 8 डिजिट जो है वो आपकी DPID हो गई सर्विस प्रोवाइडर वाली, और जो आखिरी का 8 डिजिट है वो यहां पर हो गया क्लाइंट आईडी, और अगर 1 से स्टार्ट है तो CDSL, और अगर यहां पर अल्फाबेटिकल आपको दिख रहा है तो NSDL। तो यहां पर भी आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया। तो अब यहां पर पता कैसे करें कि आपका डीमेट अकाउंट नंबर क्या है, आपका जो वेलकम मैसेज है वो यहां पर घूम गया, बहुत सिंपल सा यहाँ पर मैं आपको दो तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जीमेल में चले जाओ, क्योंकि आपका डीमेट अकाउंट नंबर है तो आपको कभी ना कभी तो मेल आया होगा, जैसा कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपने जीमेल में जाकर आप सबसे ऊपर अपने जीमेल में सर्च कर लिए यहाँ पर CDSL या NSDL, यहाँ पर जो भी आपको लगता है यहाँ पर आप सर्च कर लो। उसके बाद जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको खोजने के बाद उससे रिलेटेड मेल्स दिखेंगे, वहाँ पर आप जाकर खोलो। जैसे कि मैं आपको ये मेल अपना दिखा रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर मेल दिख गया service@cdsindia.com की तरफ से, लिखा है रेड कलर में, देखो बॉक्स में, डिटेल ऑफ योर डिपॉजिटरी
डीमेट अकाउंट ये मेल ही है, ये मेल का ही आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, बाकी को यहाँ पर ब्लर कर दिया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिटेल ऑफ योर डिपॉजिटरी अकाउंट, तो आप मेल खोल लो इसको। ये एक पासवर्ड इनक्रिप्टेड रहता है, पासवर्ड यहाँ पर रहता है वो ज़्यादातर पैन रहता है कैपिटल में, देख लेना आप वहाँ पर लिखा रहता है कि पासवर्ड क्या है, तो अपना पैन आप जैसे डालोगे तो ये इस प्रकार से एक पीडीएफ खुलेगा और सबसे ऊपर आपको यहाँ पर डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी दिख जाएगी। ये जो डीपी आईडी आपको दिख रही है डबल रेड बॉक्स के अंदर एरो यहाँ पर बनाया हूँ वो है 1234567 8, मैं यहाँ पर लिखा हूँ, और क्लाइंट आईडी ये आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये दोनों को मिलाकर, यानी कि आपको कंटिन्यूएशन में लिखना है, ये दोनों को मिलाकर आपका डीमेट अकाउंट नंबर यहाँ पर बन गया। ये था तरीका नंबर वन अपना डीमेट अकाउंट नंबर पता करने का। दूसरा तरीका ये है कि जब आप अपना जो डीमेट अकाउंट खुलाए हो ऑनलाइन, आप अपने डीमेट अकाउंट में जाइए, लॉगिन करिए, वहाँ पर आप अपने प्रोफाइल में जाइए, जो प्रोफाइल सेक्शन होता है वहाँ पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर अपनी डीपी आईडी और आपकी जो क्लाइंट आईडी है वो देखने को मिल जाएगी, और दोनों को मिलाकर आपका जो है डीमेट अकाउंट नंबर यहाँ पर बन जाएगा, जो कि आपको डालना है जब आप। और एक बात जो मैं यहाँ पर भूल गया आपको बताना, CDSL यानी कि आप समझ लो BSE और NSDL यानी कि आप समझ लो NSC अपना निफ्टी वाला, इससे भी आपको हमेशा ध्यान में रखेगा। तो आज नहीं तो कल आप जब भी अपना IPO के लिए अप्लाई करोगे आपको ये ज़रूर पता रहेगा कि डीमेट अकाउंट नंबर क्या होता है, डीपी आईडी क्या होता है, क्लाइंट आईडी क्या होता है, सीडीएसएल टिक करना है या एनएसडीएल टिक करना है। आप अपना खुद का डीमेट अकाउंट नंबर यहां पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आईपीओ के लिए यहां पर डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है, ये भी बहुत सारा कमेंट आया था पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो से ये पूरा का पूरा चीज़ आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा, जो कि आपके हमेशा यहां पर काम आएगा और शायद ही आप इसको कभी यहां पर भूलोगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है ये पसंद आया होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आए थे डीमेट अकाउंट नंबर क्या होता है, डीपी आईडी क्या होता है, क्लाइंट आईडी क्या होता है, सीडीएसएल टिक करूँ कि एनएसडीएल टिक कर दूँ। तो यहां पर आपको आज पूरा का पूरा यहां पर क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको आया है पसंद तो ये वीडियो को करना है लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा अपने फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी लोगों को यहां पर पता चले। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहां पर आपके लिए ऐसे नहीं लेकिन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ में।